हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्शनेबल क्लेम को, जिसको कि डिफाइन किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अनियोज्य दावा क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक्शनेबल क्लेम से मतलब होता है कोई भी ऐसा उधार जिसकी रिकवरी के लिए कोई पर्सन कोर्ट जा सकता है। अब ऐसा जनरली दो केसेस में देखा जाता है। पहला, तो या तो कोई अनसिक्योर डेप्ट हो। अनसिक्योर डेप्ट से हमारा मतलब होता है कोई ऐसा डेप्ट जिसके की अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ना की गई हो। ऐसे जो डेप्ट होते हैं जनरली प्रॉमिस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। दूसरा केस बन सकता है कि कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसके साथ क्लेमेंट के इंटरेस्ट जुड़े हुए हों, लेकिन वो उसके पोजिशन में ना हो। अभी जो पोजीशन है वो एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में डेट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जब हम डेट की बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से पैसा उधार लेता है तो जो पैसा देने वाला पर्सन है यानी कि जो क्रेडिटर है, वो लोन के टाइम पे लोन लेने वाले पर्सन यानी कि जो लेंडर है उसकी कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा लेता है। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। वो प्रॉपर्टी गिरवी रखवाने का पर्पस ये होता है कि इन फ्यूचर जो लेंडर है, दैट मींस जिसने पैसा उधार लिया है, वो डेब्ट को पे ना कर पाए या पैसा वापस लौटाने में आनाकानी करता है, तो उस कंडीशन में जो क्रेडिटर होगा उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने लॉस को रिकवर कर सकता है। ऐसे जितने भी डेट होते हैं वो सिक्योर डेब्ट की कैटेगरी में आते हैं, और जितने भी सिक्योर डेट होंगे उनका एक्शनेबल क्लेम से कोई लेना देना नहीं होता है। रीजन भी क्लियर है भाई, एक्शनेबल क्लेम तभी लायबल होता है जब पर्सन अपना लॉस को रिकवर कर पाने में कैपेबल ना हो। लेकिन यहाँ पे तो जनरली होता क्या है कि जो पर्सन जितने अमाउंट का लोन लेता है उससे ज्यादा अमाउंट की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के आता है, तो जो पर्सन जिसने लोन दिया है उस प्रॉपर्टी को ऑब्वियसली सेल करके अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक पर्सन है ए, जो कि बी के पास जाता है कि भाई मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। बी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे गिरवी रखना होगा। तो जो ए रहता है अपने घर को उसके पास में गिरवी रख देता है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 8 लाख के आसपास की होती है। इस कंडीशन में अगर ए पैसा वापस नहीं लौटा पाता है तो बी का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बी आसानी से उस घर को बेच के अपना लॉस रिकवर कर सकता है, इवन उसको तो बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि उसका पैसा गया कितना, 5 लाख रुपए, और आया कितना उसके पास में, 8 लाख रुपए, उसको तो 3 लाख का नेट प्रॉफिट ही हो जाएगा। तो उस केस में वो कोर्ट में जाएगा ही नहीं। सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितने भी सिक्योर डेट होंगे वो सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी से बाहर आएंगे। अब जो प्रॉपर्टी एज ए कोलेटरल वहां पे रखवाई गई है उसके बेसिस पे सिक्योर डेब्ट के अंदर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। अगर कोलेटरल की फॉर्म में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी ने रखी है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई दुकान हो सकता है, मकान हो सकता है, कुछ भी, तो उस डेट को हम बोलते हैं मॉर्टगेज, बंधक ऋण। या अगर प्रॉपर्टी जो कि एज ए सिक्योरिटी अमाउंट वहां पे जमा की गई है वो हमारी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस कंडीशन में उसको बोला जाएगा प्लेज या हाइपोथिकेशन। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, उसको अर्जेंट में नीड रहती है 10,000 रुपीज की, तो बी के पास में जाता है कि भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो बी उसको पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में क्या करता है, वो उसकी जो कार होती है जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 50,000 रुपीज के आसपास है, उसको अपने पास में एज ए कोलेटरल रख लेता है। इस कंडीशन में भी अगर ए पैसा नहीं लौटा पाता है या पैसा देने में किसी तरह का कोई गड़बड़ करता है, तो उस कंडीशन में बी उसकी कार को सेल करके अपना प्रॉफिट ले सकता है, यानी कि अपना लॉस रिकवर कर सकता है। इस केस में भी जो क्रेडिटर है उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला, उसको इवन 40,000 का प्रॉफिट ही हो रहा है। सो ये सिक्योर डेब्ट चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लिया गया हो या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लिया गया हो, ये दोनों ही एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी से बाहर आएंगे।
यहाँ पे एक नई टर्म आई है, प्लेज या हाइपोथिकेशन। ये दोनों ही यूज होती है मोबाइल प्रॉपर्टी के केस में। प्लेज और हाइपोथिकेशन में बेसिक डिफरेंस फ्रेंड्स एक्चुअल में ये होता है, अगर प्लेज के केस में जो लैंडर होगा वो ही एक्चुअल पोजीशन होल्ड करेगा मूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन हाइपोथिकेशन के केस में जो बोरोवर रहता है, बोरोवर के पास में एक्चुअल पोजीशन होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो कोई पर्सन है एक्स, उसको पैसे की जरूरत है, वो जाता है वाई के पास में, वाई उसको पैसा दे देता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है गोल्ड वॉच उसको अपने पास में गिरवी रख लेता है। अब यहाँ पे जो गोल्ड वॉच है उसका एक्चुअल पोजीशन किसके पास है, वाई के पास में, और वाई कौन है, क्रेडिटर। तो ये हमारा कौन सा केस हुआ, प्लेज का। हाइपोथिकेशन का केस उल्टा होता है, इसमें जो बोरोवर है यानी जिस पर्सन ने उधार लिया है ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी उसके पास में होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार लोन। सो फ्रेंड जैसा आप लोग जानते ही होंगे, अगर कोई पर्सन इंटरेस्ट पे या बैंक से कोई लोन लेता है कार खरीदने के लिए, तो उस कंडीशन में कार तो उसी पर्सन के पास में रहेगी, लेकिन उसका जो हाइपोथिकेशन होगा वो बैंक के पास में होता है। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्लेज और हाइपोथिकेशन के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसिक्योर डेब्ट की। सो जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, जो एक्शनेबल क्लेम है वो पूरी तरह से डील करता है केवल और केवल अनसिक्योर डेब्ट को। सिक्योर डेब्ट से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता। अनसिक्योर डेट जैसा नाम से क्लियर होता है, ऐसी जितने भी डेट होते हैं दैट आर नॉट बैक्ड बाय कोलेटरल, यानी ऐसे जितने भी डेट जो बिना किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखे हुए लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, वो आते हैं अनसिक्योर डेट की कैटेगरी में। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई पर्सन है ए, वो बी के पास में जाता है कि भाई मेरे को 10,000 रुपये चाहिए और मैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर लौटा दूंगा। अब ए ने क्या किया है, अपनी कोई प्रॉपर्टी वहां पे गिरवी नहीं रखी है, ए ने बस बी के साथ में प्रॉमिस किया है कि वो एक हफ्ते के अंदर उसका पैसा लौटा देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो ए अपना पैसा नहीं लौटा पाता है, तो उस कंडीशन में बी के पास अपना लॉस रिकवर करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। देन उसके पास में एक ही ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर सकेगा और उसके अगेंस्ट कोर्ट उसको रिलीफ प्रोवाइड कराएगा। So, ऐसे जितने भी केस होंगे जो कि अनसिक्योर डेट की कैटेगरी में आते हैं, वो सारे के सारे डील होंगे सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि एक्शनेबल क्लेम के थ्रू। अनसिक्योर डेट के जो कॉमन एग्जांपल, हमारी जनरल लाइफ में सबसे ज्यादा जो डेट होता है वो अनसिक्योर डेट ही देखने को मिलता है। जैसे हमारा जो पर्सनल लोन होगा, या जो मेडिकल बिल होंगे, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने बिल होते हैं, स्टूडेंट लोन, ये सब आते हैं अनसिक्योर डेट की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल हो और क्लेमेंट के पोजीशन में भी नहीं। अब यहां पे जो पोजीशन होगा वो एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, वो बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसको 50 क्विंटल गेहूं डिलीवर करेगा। उसी टाइम पे जो बी है वो उसको कुछ पैसा एडवांस में पे कर देता है। जैसे ही बी ने उसको पैसा पे किया, वैसे ही उस वीट के साथ में बी के इंटरेस्ट अटैच हो गए। इस कंडीशन में ए अगर फेल हो जाता है उस पर्टिकुलर डेट पे, वो उसको वीट डिलीवर नहीं कर पाता है, देन जो बी है वो अपने पोजीशन के लिए कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और उसका ये जो क्लेम होगा वो एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो पोजीशन वो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव जो हो सकता है, इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए जो है वो वीट बी तक पहुंचा देता है, तो उसने डिलीवर कर दिया। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन है, अगर ए ने जो वीट पहुंचाया है वो डायरेक्टली उसके घर में पहुंचा दिया या उसकी शॉप में पहुंचा दिया, तो वो उसके एक्चुअल पोजीशन में आ गया बी के। लेकिन मान लो ए जो है वो बी के पास में वीट ना पहुंचा के गोडाउन में उसको रखवा देता है, बदले में गोडाउन की जो चाबी है वो बी के पास में पहुंचा देता है,
इस कंडीशन में भी जो वीट का पोजीशन है वो बी के पास में पहुंच गया है, लेकिन वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो आएगा हमारा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में। नेक्स्ट, अब आते हैं इसकी बेयर एक्ट में। बेयर एक्ट में इसको कैसे डिफाइन किया गया है? सो बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, इसको हम छोटा छोटा टुकड़ों में देखेंगे। अ क्लेम टू एनी डेब्ट अदर देन अ डेब्ट सिक्योर्ड बाय, यानी एक्सनेबल क्लेम में सारे ही डेब्ट आएंगे, लेकिन कौन कौन से नहीं होने चाहिए, जो कि ना सिक्योर किए गए हों ईदर बाय मॉर्टगेज, मॉर्टगेज नहीं होना चाहिए। मॉर्टगेज जैसा हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मॉर्टगेज से हमारा मतलब होता है एक सिक्योर डेब्ट, जहां पे जो लोन लेने वाला पर्सन है वो अपनी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए कोलेटरल वहां पे जमा करके लोन लेता है। हाइपोथिकेशन या प्लेज वहां पे नहीं होना चाहिए। हाइपोथिकेशन और प्लेज ये केस भी हम देख चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है यानी कि जो लोन लेने वाला पर्सन है वो अपनी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेता है। अब अगर एक्चुअल पोजिशन उस मूवेबल प्रॉपर्टी का बोरोअर के पास में ही रहता है, देन इट इज ए केस ऑफ हाइपोथिकेशन, एग्जाम्पल के लिए कार लोन। और अगर पोजिशन उधार देने वाले पर्सन के पास में चला जाता है तो वो प्लेज का केस यहां पर बनता है। या फिर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट जुड़े हुए हों मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में, जैसा कि हमने अभी वीट वाले एग्जांपल देखा है कि ए बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको गेहूं डिलीवर करने का, बी उसको कुछ पैसा दे देता है, जैसे ही बी उसको पैसा दे रहा है तो उसके इंटरेस्ट उसके साथ में जुड़ गए। अब वो इंटरेस्ट एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दोनों तरह के पोजिशन के लाइबल होंगे, एंड विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ वेदर सच डेप्ट बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंट एक्रूइंग कंडीशनल और कंटिंजेंट, या कि जो कि कोर्ट को ऐसा लगता है एक ग्राउंड है रिलीफ के लिए। अब वो कैसा हो सकता है, जो डेट है वो एग्जिस्टेंट भी हो सकता है, एक्रूइंग भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है या कंटिंजेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चार नई टर्म आई है, आइए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग डेट की। एग्जिस्टिंग डेट से हमारा मतलब होता है एक ऐसा डेट, एक ऐसा उधार जो कि पास्ट में पेएबल था, प्रेजेंट में ड्यू हो गया, वो आ गया हमारा एग्जिस्टिंग डेट यानी मौजूदा ऋण की कैटेगरी में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्लेम ऑफ एरियर ऑफ सैलरी। तो जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, एरियर, एरियर मतलब बकाया, एक पर्सन जिसकी सैलरी पास्ट में उसको मिल जानी चाहिए थी लेकिन उसको नहीं मिली, तो वो प्रेजेंट में बकाया की कैटेगरी में आ गई और वो हमारा हो गया एग्जिस्टिंग डेट। दूसरा हम बात करते हैं एक्रूइंग डेट की या उपार्जित ऋण। एक्रूइंग डेट से हमारा मतलब होता है एक ऐसा डेट जो कि पेएबल होता है ऑन ए फ्यूचर डेट। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन है एक्स, वो वाई को हायर करता है अपने यहां नौकरी पे और उसको वो प्रॉमिस करता है कि मंथ एंड में वो उसको 5,000 रुपए देगा एज ए सैलरी। अब उस कंडीशन में अगर एक्स वाई को सैलरी नहीं दे पाता है तो वो आ जाएगा हमारा एक्रूइंग डेब्ट की कैटेगरी में, और जो वाई है एक्सनेबल क्लेम की फॉर्म में अपनी सैलरी के लिए क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंडीशनल डेट। तो जैसा नाम से क्लियर होता है, ऐसे डेट जो कि जिनके साथ में कोई कंडीशन अटैच होती है वो कंडीशनल डेट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कंडीशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो पार्टी की रीच के अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ए जो है वो बी के साथ में प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसके साथ में शादी कर लेती है 1 महीने के अंदर अंदर तो वो उसको 10,000 रुपीज देगा। तो यहाँ पे शादी का होना या ना होना, यानी कि जो डेट है उसका दिया जाना ना या ना दिया जाना, ये डिपेंड करता है शादी के ऊपर। अगर शादी हुई तो डेट मिलेगा, नहीं हुई तो कोई केस ही नहीं बनता। नेक्स्ट होता है कंटिंजेंट डेट। जो कंटिंजेंट डेट होता है ये भी एक तरह का कंडीशनल डेट होता है। अंतर यहाँ पे इतना होता है कि जो कंडीशन होती है वो एक ऐसी कंडीशन होगी जो दोनों ही पार्टीज की पहुंच से बाहर होती है, दैट इज कंडीशन इज ऑलवेज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। एग्जाम्पल के लिए जो ए है वो बी के साथ में प्रॉमिस करता है कि अगर सी का जहाज डूब जाता है तो ए बी को पैसा देगा। अब सी के जहाज का डूबना ये ना तो ए के कंट्रोल में और ना ही बी के कंट्रोल में, तो ये जो डेट होगा हमारा कंटिंजेंट डेट की कैटेगरी में आ जाएगा।
नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सो एक्स इनेबल क्लेम में हमारे आते हैं क्लेम फॉर एरियर ऑफ रेंट। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, एरियर मतलब बकाया। अगर कोई रेंट बकाया है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्लेम होंगे वो एक्स इनेबल क्लेम की कैटेगरी में आएंगे। और ये अनसिक्योर्ड डेट ही होता है फ्रेंड्स। जैसा आप लोग जानते ही होंगे, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपने कोई शॉप या घर किराए पे देता है और बदले में उससे हर महीने रेंट लेता है, तो नॉर्मली केसेस में जो रेंट का लेन देन होता है उसका कोई रिटर्न प्रूफ अवेलेबल नहीं होता है, वो पूरी तरह से अनसिक्योर्ड डेट होता है। सो अगर पर्सन वहां पर डिफॉल्ट कर देता है तो जो लेंडर जो लोन लेने देने वाला पर्सन है उसके पास में एक ही ऑप्शन होगा कि वहां पे कोर्ट से जाके वो अपना वो लॉस रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो सकता है इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर इन अ डिसॉल्व पार्टनरशिप। अब मान लो तीन या चार पार्टनर हैं जो कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चला रहे थे, बाद में जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो वहां पे कोई भी जो पर्सन होगा जो कि वहां पे पहले पार्टनर रहा हो वो अपने इंटरेस्ट के लिए कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मोहम्मडिन विडोज क्लेम फॉर अनपेड डोर। एक मुस्लिम विधवा महिला अपनी मेहर के लिए जो क्लेम करेगी वो एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आएगा। मनी ड्यूज फॉर द गुड सेल। मान लो एक पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, तो सामने वाले पर्सन की ऑब्लिगेशन बनती है कि उसके बदले उसको पैसा पे करेगा। अब अगर वो पैसा नहीं पे करता है उस कंडीशन में जिस पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की थी वो कोर्ट में जा सकता है और अपना लॉस वहां से रिकवर कर सकता है। ये एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट वन इज राइट टू गेट बैक द परचेज मनी व्हेन द सेल इज असाइड। मान लो ए जो है वो बी के साथ में एक डील करता है कि ए जो है वो बी की प्रॉपर्टी को खरीदेगा, बदले में उसको 1,00,000 रुपया देगा, और ए जो है वो एडवांस में उसको 10,000 रुपये दे भी देता है। कुछ टाइम के बाद में जो बी है वो अपना मूड स्विच कर लेता है, वो कहता है कि नहीं भाई अब मैं अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचने वाला हूं। तो उस कंडीशन में ए का ये राइट बनता है कि उसने जो पैसा दिया है वो वापस उससे ले ले। देन अगर बी पैसा देने में किसी तरह की कोई आनाकानी करता है तो जो ए है वो अपना पैसा वसूल कर सकता है कोर्ट के थ्रू, और ये हमारा एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट वन इज क्लेम फॉर मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं वो सब आते हैं एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में। अब एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या नहीं आता है? डेब्ट सिक्योर्ड बाई मॉर्टगेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, ये ऑब्वियसली हम डेफिनेशन में इसको देख चुके हैं, क्योंकि मॉर्टगेज जो होता है वो सिक्योर डेब्ट होता है। सिक्योर डेब्ट के लिए पर्सन को कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, उसने ऑलरेडी कोलेटरल वहां पे लिया हुआ होता है, उस कोलेटरल को सेल करके वो अपना लॉस को रिकवर कर ही सकते हैं। डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेज इन टॉर्ट, तो ये जो दोनों होते हैं ये टॉर्ट के अंडर डैमेज में आते हैं, और जो डैमेज है वो एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में नहीं आएगा। कोई डिक्री है कोर्ट का या कोई जजमेंट है, ये कंपनी के शेयर हैं, या कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई क्लेम है, ये सब एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी से बाहर आएंगे। अब हम कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। पहला केस है हमारे पास में स्टेट ऑफ केरला एंड अदर वर्सेस मिनी शमसुद्दीन एंड अदर का। इसमें कोर्ट ने कहा कि जो गुड्स और मूवेबल प्रॉपर्टीज होते हैं वो एक्शनेबल क्लेम के लिए लायबल होते हैं, लेकिन वो प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट के अंडर काउंट नहीं होंगे। दूसरा केस था जुगल किशोर सराफ वर्सेस रॉ कॉटन लिमिटेड का। इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई जो जजमेंट डेप्ट होंगे या डिक्री होंगी उनको एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाएगा। एक और केस है हमारे पास में सनराइज एसोसिएट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी को भी एक्शनेबल क्लेम माना है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो पर्सन लॉटरी में पार्टिसिपेट कर रहा है ऑब्वियसली उसका मोटिव होगा कि वो वहां पे पार्टिसिपेट करके प्राइज को जीत सके। सो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। एंड लास्ट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स।